दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। 19 जनवरी से 24 जनवरी तक काफी ठंड पड़ने वाली है और इसको लेकर मौसम विभाग के द्वारा एक अलर्ट भी जारी किया गया है और हमारे पास वो प्रेस रिलीज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और इस दौरान क्या कुछ आपको सुझाव दिए गए हैं, कैसे अपने आप को रखें और अपने आप को इस कपकपाती ठंड से बचाए, इसके लिए भी सुझाव दिए गए हैं। तो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विभाग, भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम विज्ञान केंद्र अनिसाबाद पटना बिहार। ये प्रेस विज्ञप्ति है शीत दिवस के लिए एहतियात सलाह, जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है राज्य के निचले क्षोभ मंडल में दिनांक 19 जनवरी से पुनः बर्फीली ठंडी पछुआ एवं उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह होने की पूर्वानुमान है। इसके साथ ही समुद्र तल से 12.6 किलोमीटर ऊपर 140-160 नॉट क्रम की जेट स्ट्रीट हवाएं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कायम है। इसके साथ ही जिसके प्रभाव से राज्य में 19 जनवरी से 24 जनवरी 2024 तक शीत दिवस की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही राज्य में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक क्रमिक गिरावट के साथ 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहने की संभावना है। यानी कि 19 जनवरी से 24 जनवरी तक शीत दिवस की स्थिति बनी रहेगी और तापमान 2 डिग्री से लेकर 3 डिग्री तक नहीं जा सकता, यानी कि 10 डिग्री से नीचे ही रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है, जो कि अभी राज्य में अधिकांश जगहों पर 14 डिग्री से 16 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान जो अभी दर्ज किया जा रहा है 14 डिग्री से 16 डिग्री वही है। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। उसमें कोई खास बदलाव नहीं देखा जा रहा है। न्यूनतम तापमान नहीं है, 10 डिग्री से कम भी जा सकता है, 2 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस भी तापमान हो सकता है। इसके साथ ही अगले 5 दिनों के अंदर राज्य की कुछ जगहों पर घने कोहरे का भी अनुमान है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है, ठंड को देखते हुए अलर्ट जारी किया हुआ है और उपयुक्त मौसम के प्रभाव और सुझावों के बारे में भी जानकारी दी गई है, जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। शीत दिवस, गंभीर शीत दिवस की स्थिति के कारण अपेक्षित प्रभाव फ्लू बहती नाक प्रभाव हम आपको बता रहे हैं। फ्लू हो सकती है, बहती बंद नाक या नाक से खून आना जैसी विभिन्न बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है, जो आम तौर पर शुरू होती है और लंबे समय तक ठंड के संपर्क में रहने के कारण बढ़ जाता है। इसके लिए सुझाव भी दिया गया है, लंबे समय तक ठंड के संपर्क में रहने से बचे। आम जन खासकर बच्चे एवं बुजुर्गों को ठंड से बचने की सलाह दी जाती है। गर्म कपड़े धारण करें और गर्म पेय पदार्थ का सेवन करें। दूसरी पॉइंट हम देखेंगे, कपकपी को नजरअंदाज ना करें, यह पहला संकेत है कि शरीर से गर्मी कम हो रही है। अगर आपको कपकपी होती है तो आप उसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करें, ये पहला संकेत बताया जा रहा है, जहां से ये पता चलेगा कि आपके शरीर से गर्मी है वो कम हो रही है। इसके लिए सुझाव दिया गया है घर के अंदर रहें। तीसरा पॉइंट भी हम बात कर लेते हैं, तीसरे पॉइंट में देख सकते हैं, लंबे समय तक ठंड के संपर्क में रहने के कारण शीत वंश हो सकता है, त्वचा पीली कठोर और सुन्न हो जाती है, अंततः शरीर के खुले हिस्सों जैसे उंगलियों, पैर की उंगलियों, नाक और कान के निचले हिस्से पर काले छाले दिखाई पड़ने लगते हैं। इसके लिए सुझाव भी दिया गया है, गंभीर शीत वंश के लिए तत्काल चिकित्सा ध्यान। 100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि डिफिसेट एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका, एसोसिएटेड विद UGC एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब। एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें।
हमारा पहला ब्रांच रामराज्य मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच बुढ़नी मोड़ वीआईपी ट्राइल्स के समीप स्टेशन रोड मेरवा और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है। और उपचार की आवश्यकता होती है अतः चिकित्सक से शीघ्र ही संपर्क करें। चौथा पॉइंट है कुछ स्थानों पर कृषि फसल पशुधन जल आपूर्ति परिवहन और बिजली क्षेत्र पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके लिए सुझाव है कृषि विभाग एवं राज्य आपदा प्राधिकरण के सुझावों का पालन करें। तो ये मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है और आपने देखा कि किस तरह से 19 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। काफी ठंड रहेगी, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे ही रहेगा, 2 डिग्री से 3 डिग्री के बीच भी जा सकता है और मैक्सिमम जो तापमान है वो 14 से 16 के बीच में ही रहना है। इस दौरान आप सभी भी जो मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है उसको पालन करें, घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें, ठंड में जब जरूरत ना हो तो ना निकले। बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जो भी घर में है उनको ऊपर खास तौर से ध्यान दे, जरूरी है क्योंकि ठंड काफी ज्यादा है और ठंड से लोगों का बुरा हाल है। मौसम विभाग जो भी आपको अलर्ट जारी करता है उस पर विशेष रूप से ध्यान दे, राज्य सरकार जो भी अलर्ट जारी करती है उसे विशेष रूप से ध्यान दे और खास तौर पे न्यूज चैनलों पे ध्यान दे। न्यूज चैनल में देखते रहें, कुछ कुछ जानकारियां कुछ कुछ सुझाव राज्य सरकार जिला प्रशासन की तरफ से आते हैं, मौसम विभाग की तरफ से आते हैं, उस पे ध्यान देने की जरूरत है और घर से जब जरूरत हो तभी बाहर निकलें। आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।